यहाँ पे दोस्तों प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की तरफ से 10 रुपए के सिक्के को लेकर दो बड़ी खबरें और बड़े अपडेट निकल कर आ रहे जो हर एक उस भारतीय को जान लेना चाहिए जिस किसी के भी पास 10 रुपए का एक सिक्का भी मौजूद है तो, क्योंकि आपको बाद में फिर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और उसके जिम्मेदार फिर आप स्वयं होंगे। आप सभी को पता होगा दोस्तों आज हो गई है 1 अगस्त 2018 और यहाँ पे लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में हेडलाइंस अलर्ट एंड ट्रेंडिंग खबर निकल कर आ रही है दोस्तों 10 रुपए के सिक्के को लेकर। तो ₹10 कॉइन्स न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के अपडेट को जाने इससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक सच्ची घटना बताता हूँ दोस्तों। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ग्राहक आकाश ने झोरा कस्बे में बनिया पारा स्थित दुकानदार अरुण जैन की दुकान से 17 अक्टूबर 2017 को दो रुमाल खरीदने के लिए 10-10 रुपए के दो सिक्के दिए थे। ठीक है, दुकानदार ने 10 रुपए के सिक्के यह कहते हुए आकाश को वापस कर दिए थे कि ये सिक्के अब बाजार के चलन में नहीं है। वे बताते हैं दोस्तों कि खरीदार ने दुकानदार को बताया कि कलेक्टर मुरैना के आदेश है कि वे 10 रुपए के सिक्कों के लेने से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन दुकानदार ने उनकी इस बात को भी नहीं सुनी और इसकी शिकायत ग्राहक आलोका ने जोरा थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने दुकानदार के विरुद्ध कलेक्टर द्वारा सिक्के स्वीकार करने के संबंध में जारी आदेश का उल्लंघन करने के ऊपर मामला दर्ज किया और गिरफ्तार किया और फिर चालान न्यायालय में पेश किया और उनकी सजा के रूप में आप यहां पे बड़ी खबरें देख सकते हैं। 3 घंटे पहले 5 घंटे पहले के 10-10 रुपए के सिक्के नहीं लेने पर दुकानदार को कोर्ट उठने तक की सजा मिली। तो यहां पे दोस्तों 10-10 रुपए के सिक्के नहीं लेने के ऊपर जोरा के एक दुकानदार को अदालत ने 200 रुपए का अर्थदंड भी दिया और इसके साथ में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। और दोस्तों दूसरी खबर और अगले अपडेट को जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप जीत सकते हैं डीएलएफ न्यूज की तरफ से अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। आपको लिखना है सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि मोदी सरकार ने नोटबंदी के समय किन किन नोटों को बंद किया था। जो लोग इसका सही जवाब दे पाएंगे और रैंडमली पिक किए जाएंगे डीएलएफ न्यूज की तरफ से और आप जीत सकते हैं मोबाइल कंप्यूटर इंटरनेट टूल गैजेट वगैरह कुछ भी अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। तो इन बातों का ध्यान रखें दोस्तों और ये भारतीय करेंसी इसको लेने से इनकार करना यानी कि नहीं लेना एक कानूनन जुर्म के अंदर आता है। उम्मीद है लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आपको मिल गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और डीएलएफ माइंड के क्वेश्चंस का जवाब देते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।